कि बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत ही गुणी और माने हुए एक्सपोनेंट हैं पर्कशन के। हालांकि तबला हिंदी इंस्ट्रूमेंट है, बट मैं पर्कशनिस्ट कहता हूँ बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझते हैं लाइक साइंटिस्ट। इनके साथ में जब मुझे कोलैबोरेट करने का मौका मिला तो सबसे पहले हमने म्यूज़िक रूम में काम शुरू किया। नाम उसके बाद में रखा गया, पहले हमने एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए म्यूज़िक रूम पे काम किया और इतना मज़ा आया कि फिर हमने जल फिल्म में काम म्यूज़िक पे काम किया। और दोनों ही चीज़ें एक तरह से हमारे लिए बहुत ही भाग्यवान भाग्यशाली साबित हुई हैं। ऑस्कर के एडवांस लिस्ट में हमारा जल के लिए नॉमिनेशन आया और द म्यूज़िक रूम जो कि एकदम ही अनूठी एल्बम है वो इसलिए लोग सक्सेसफुल उसको कर गए क्योंकि उसके म्यूज़िक जो फिल्म में नहीं मिलता वैसा वाला म्यूज़िक है। म्यूज़िक को बहुत तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है और जो हम फिल्मों में देखते हैं सुनते हैं वो एक धरे का होता ही है जो अच्छा है, बहुत बढ़िया होता है। हम उसके हिस्सा हैं, हमने खुद उसमें काम कर रखा है। पर उसके अलावा भी एक म्यूज़िक है जो आप लोग नहीं समझ पाते या देख पाते या उसे इंट्रोड्यूस हो पाते हैं। तो हर कलाकार का फ़र्ज़ बनता है कि वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के माध्यम से आप लोगों को नया म्यूज़िक दे। सोनू निगम जिसको मैं कहता हूँ एक कंप्लीट एंटरटेनर, एक जीनियस, शायद सोनू निगम जैसा कोई व्यक्तित्व खासकर संगीत के मामले में कोई नहीं है। और आज विक्रम के साथ इन दोनों ने मिलकर, सोनू निगम ने और विक्रम ने मिलकर जो आज पेशकश की है, जो आज ACD या यह संगीत किया, जो इस शाम को एक अनमोल शाम बनाया, बढ़िया बनाया है, मैं उसकी शुभकामना देने, उनकी हौसला अफजाई करने आज आया हूँ। सोनू निगम साहब को, विक्रम घोष साहब को बधाई देता हूँ इस बात की कि एक तो एल्बम तो सक्सेसफुल हुआ ही, वो भी ऐसे दौर में हुआ जब सब लोग बोलते हैं जी अब तो नॉन फिल्म म्यूज़िक बनता ही नहीं, यहाँ बनता ही नहीं, यहाँ पे हिट भी होता है। तो हुनर की जहाँ पर परमात्मा ने बहुतायत दी है वहाँ पर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है और यही साक्षात उदाहरण है विक्रम घोष एंड सोनू निगम साहब का।